Hello students, let's start exercise 3.3 Pair of linear equation 2 variable class 10 max chapter 3 Solve the following pair of linear equation by substitution method Children, students you have studied in the previous video Pre last class we have seen substitution method How to solve the equations by substitution method So let's start again एक्स प्लस वाईक्स टू फोर्टीन फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई टू फोर टू ना क्या करना है एनी वन इक्वेशन यू भी इक्वेशन लेना वाई फ्री करना है सो लेट समेक नंबर वन ओनली फ्राम इक्वेशन वन इक्वेशन वन में क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन है आप कुछ भी फ्री कर सकते हैं चाहे एक्स फ्री कर लीजिए चाहे वाई फ्री कर लीजिए टू फोर्टीन माइनस एक्स दिस इज अ वैल्यू ऑफ वाई ना पोर्ट द वैल्यू ऑफ वाई ये जो वैल्यू है मत रख देना आपने वन से ही निकाली है तो वन में नहीं रखना है वन से निकालते तो टू में रखनी है और टू से निकालते तो वन में रखनी है आप कुछ भी फ्री कर सकते हैं एक्स चाहे वाई कुछ भी फ्री कर सकते ना पोट दिस वैल्यू ऑफ वाई पोर्ट द वैल्यू वाई इन इक्वेशन नंबर टू रख देतेवेशन टू क्या है हमारी एक्स माइनस वाईक्वल टू फोर यह हमारी वाई की वैल्यू फोर्टीन माइनस एक्स तो जहां वाई है वहां क्या रखते हैं ब्रैकेट जरूर लगाना वाई है वैल्यू कितनी है फोर्टीन माइनस क्योंकि माइनस बाहर है वैल्यू ब्रैकेट लगाना इट्स वेरी एसेंशियल माइनस है आउटसाइड माइनस बाहर है और बाहर है इस कारण से दो टर्म है हमारे पास तो दो टर्म है तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा कुछ बच्चे डायरेक्टली लगाते हैं वो रॉन्ग हो जाता है इक्वल्स टू क्या चल रहा है फोर हमने वाई की वैल्यू रख दी फोर्टीन माइनस एक्स ये वाई की वैल्यू है, है इसका वाई की वैल्यू आ गई अब नाउ सॉल्व एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स फोर ये माइनस फोर्टीन को ट्रांसपोज कर दीजिए तो व्हाट विल गेट प्लस फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन

एक बार एक्स की वैल्यू आने के बाद आप कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं जरूरी नहीं कि इसमें ही रखो आप इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन इक्वेशन टू किसी में भी रख सकते हो एक्स की वैल्यू और वाई निकाल सकते हो इजिली तो वाई भी आगे हमारा निकल के वाई कितना आगे हमारा फाइव आ गया देखो फाइनल आंसर लिख देते हैं एक्स कितना नाइन और वाई कितना आ गया फाइव आ गया ये करी हमने वैल्यू हमने From any equation, from any equation, we have substituted the value of y or x and we have to put in another equation. That's why its methods called substitution method. Now we'll do the second part of it. Now see equation number two. Question number two: S minus T equals to 3 and S by 3 plus T by 2 equals to 6. अब देखिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है fractions में आ गए तो इसको दे देते हैं आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली तो आप एलसीम ले लीजिए थ्री एल्सियम कितना हुआ सिक्स हुआ तो यहां कितना हो टू एस यहां कितना हो जाएगा थ्री टी अपन नीचे कितना हो गया थ्री टू एलसीयम कितना सिक्स इक्वल टू तो क्या चल रहा है सिक्स टू एस प्लस थ्री टी इक्वल्स टू सिक्स सिक्स कितना हो गया थर्टी सिक्स इसको डाल दीजिए अब इक्वेशन नंबर टू अब ऐसा कर सकते हैं जब भी कुछ डिफिकल्टी आए फ्रैक्शन में आए तो आप पहले उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लीजिए इक्वेशन सिंपलीफाई कर लीजिए इक्वेशन देखिए आप सिंपलीफाई हो गई ये फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी और अब ये सेकंड इक्वेशन देखिए कितनी सिंपलीफाई होगी और आप ऐसी इक्वेशन चूज करिए सब के लिए अब जैसे मैं ये चूज करने वाला हूँ इससे मैं एस या टी निकालने वाला हूँ अब मैं इससे नहीं निकालूंगा एस ओ टी ऐसा क्यों, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि यहां पर अगर मैं करता हूं तो फ्रैक्शंस में आएगा अगर मैं एस uh, को फ्री करता हूं तो थर्टी सिक्स माइनस थ्री टी बाई टू आएगा तो आप खुद अपने डिसीजन uh, ले सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन ले जिससे कि इजी हो जाए सिंप्लीफाई हमें इजी बनाना है ना कि डिफिकल्ट बनाना है आप यहां से भी कर सकते हैं यहां से भी एस निकाल कर इसमें रख सकते हैं मगर नेट देट आई एम नॉट डूइंग आई एम वट आई एम डूइंग चिल्ड्रन ट की एस या टी निकालेंगे इस इक्वेशन से और इस वाले में रखेंगे ठीक है तो लेट स्टार्ट तो फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन ले लेते हैं तो नाउ ये लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन वन एस इक्वल्स टू तो थ्री प्लस टी ये माइनस टी इधर आया प्लस टी हो गया अब जो है एस की वैल्यू आई टू पुट इन इक्वेशन नंबर टू पुट द वैल्यू ऑफ एस पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर टू एस प्लस थ्री टी इक्वल टू थर्टी सिक्स ना पुट द वैल्यू एस वॉट इज एस थ्री प्लस टी पुट द वैल्यू एस थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी इक्वल टू वॉट थर्टी सिक्स हमने क्या करी एसके रख दी यहाँ पे क्या है हमारी थ्री प्लस टी ये सेकंड इक्वेशन में रखनी है फर्स्ट से हमने निकाली तो सेकेंड में रखनी है और सेकेंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखनी है नाउ सिंपलीफाई कर लो टू थ्रीजा टू प्लस टू इन टी टू टी प्लस थ्री टी टू कितना हो गया थर्टी सिक्स टू टी प्लस थ्री टी हाउ मच फाइव टी फाइव टी टू थर्टी सिक्स ये सिक्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा माइनस सिक्स 5t equals to 30. That means t q 30 by 5 means t is 6 away. T is 6 now. So now we got the value of t of s nikal lete. What is s ours? 3 plus t. So therefore s equals to 3 plus t means 3 plus 6 equals to 9. Therefore, we got the solution. Therefore, s equals to 9 and t equals to 6 is our solution. Clear, children? Now we'll do the next part, third one. Now see the third part 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9. बिफोर सॉल्विंग बाय बायशन मेथड सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं वेदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा नहीं हो रहा है क्योंकि देखो क्या हो रहा है थ्री बाय नाइन वन बाय थ्री माइनस वन बाय माइनस थ्री वन बाय थ्री एंड थ्री बाय नाइनस मीनस इंफिनाइटली मेरी सोल्यूशन आ रहे हैं तीनों इक्वल हो रहे हैं देखो ए वन है थ्री बी वन है माइनस वन और सी वन है थ्री ए टू है नाइन सी टू बी टू है माइनस थ्री एंड सी टू इज नाइन ओके तो ए वन बाय ए टू का रेशियो निकालो थ्री बाय नाइन इक्वल टू वन बाय थ्री बी वन बाय बी टू का रेशियो निकालो माइनस वन बाय माइनस थ्री वन बाय थ्री और सी वन बाय सी टू का रेशियो निकाल लो थ्री बाय नाइन वन बाय थ्री आ रही मीन्स ऑल आर इक्वल सारे इक्वल आ रहे हैं और सारे इक्वल आ रहे थे ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू ये कितने आ रहे है? सारे वन बाय थ्री आ रहे हैं ऑल इक्वल आया देर फोर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन जो जिसके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं वो हम नहीं निकाल सकते उनके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते सारी वैल्यू के लिए दोनों किसी भी वैल्यू के दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है मेन्स ये दोनों इक्वेशन क्या होती है बच्चों सेम होती है इसमें से अगर मैं थ्री कॉमन ले लेता हूँ तो वापस वही इक्वेशन आ जाएगी तो एक इक्वेशन एक के क्या सोल्यूशन होंगे आप कुछ भी रखोगे एक्स की वैल्यू तो वा आएगा तो वो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते हैं इन्फ्रेंट सोल्यूशन कब होते हैं जब दोनों इक्वेशन ही सेम होती है देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है ऐसा क्यों हुआ अगर मैं थ्री कॉमन ली इसमें थ्री कॉमन लीजिए क्या आएगा थ्री एक्स माइनस वाई इक्व टू नाइन थ्री इधर जाएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाएगी और ये सेम हो जाएगी तो एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं ओनली वन सोल्यूशन इक्वेशन के इनफीनाइट uh, सॉल्यूशन होते हैं जैसे एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आएगी आपने ग्राफ बनाया था एक, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का सिंगल इक्वेशन में कितने सोल्यूशन हो सकते हैं एक इक्वेशन के थाउजेंड करोड़ सोल्यूशन हो सकते हैं इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं तो इनफीनाइटली मेनी सोल्यूशन और इनफ्रेंटली मेरी सोल्यूशन से तो सब सोल मेथड से निकलेगा ही नहीं आंसर आप करके भी देख लेंगे तो भी नहीं आंसर आएगा बस आप हमेशा एक बात चेक कर लीजिए कि ए वन बाय बायू इक्वल तो नहीं है अगर ये इक्वल है तो आपको आगे करना ही नहीं आपको इस तरह से चेक करके छोड़ देना है तो यहाँ मैंने देखा थ्री बाय नाइन वन बाय थ्री होता है और माइनस वन बाय माइनस थ्री कितना हो रहा है माइनस वन बाय माइनस थ्री कितना वन बाय थ्री तो वन बाय दोनों इक्वल आ गए और दोनों इक्वल आ गए तो कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा एक सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा अगर ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू इक्वल आ जाते हैं तो उनका रेशियो इक्वल आ रहा है और थर्ड अगर नॉट सी वन बाय सी टू को इक्वल भी नहीं होते तो भी नो no सोल्यूशन होता क्योंकि हमें मालूम है कि अगर सी वन बाय सी टू इक्वल नहीं होते हैं, तो नो no सोल्यूशन होता है पैरल लाइन्स बनती है सो so, क्लियर चल रहा है इन्फेमेंट सोल्यूशन तो ये इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं होगी तो सब से हो ही नहीं सकती करके भी देखेंगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा आपको नाव विल डू द फोर्थ पार्ट क्स्ट वन फोर्थ पार्ट इक्वेशन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू नाउ वॉटंग टू डू वी आर गोइंग टू टेकतेवेशन नंबर वन रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाईक्वल टू जीरो कुछ भी फ्री कर लो एक्स या वायट थ्री वाई इक्वल टू ये रूट टू एक्स उधर जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा जीरो माइनस रूट टू एक्स यानी कितना आया माइनस रूट टू एक्स वाई निकालना वाई फ्री करना है हमें वाई इक्व टू माइनस रूट टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ये वाई की वैल्यू आ गई हमारी नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू वाई इन इक्वेशन नंबर टू वन से निकालिए तो टू में डाल दे वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ वाई in इक्वेशन नंबर टूट रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई equals to what जीरो अब आप रख दीजिए y की वैल्यू रूट एट वाई की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस रूट टू बाय रूट थ्री एक्स तो पुट द वैल्यू माइनस रूट टू बाय थ्री एक्स ओके ये हमने y की वैल्यू इसमें रख थे. क्वल टू वॉट जीरो गोइंग ऑन अब आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करते हैं रूट थ्री एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस रूट एट इंटू रूट टू रूट सिक्सटीन रूट सिक्सटीन बाय नीचे क्या चल रहा है रूट थ्री इक्व टू क्वाट जीरो अब एक्स बी है नियम डिनोमी सेम बना लीजिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एक्स रूट स्क्वायर रूट ऑफ नीचे क्या चल रहा है रूट क्या हुआ देखो लिया कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में थ्री प्लस फोर कितना हुआ सेवन एक्स सेवन एक्स इक्वल टू रूट थ्री इंटू जीरो जीरो कितनी आ गई जीरो

बाई रूट थ्री एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी जीरो आई रख दीजिए कितना होगा रखने पर एक्स की वैल्यू आई जीरो जीरो इंटू समली तो वाई भी कितना आ गया जीरो आ गया देरफर इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो दोनों जीरो आ गए दोनों की वैल्यू क्या हो गई जीरो

टू फाइव वाई एल्सियम ले रहे हम और कितना आया 2, 3 6 आया 6 जाएगा माइनस तो ट्वेल्व क्यों हो जाएगा सिक्स इंटू माइनस टू माइनस ट्वेल्व ये क्वेश्चन नंबर वन इसको डाल दीजिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एल्सियम लीजिए टू इंटू एक्स टू एक्स थ्री इंटू वाई थ्री वाई और एल्सियम कितना है इसका भी सिक्स है तो सिक्स उधर ले जाइए थर्टीन बाय सिक्स चल ही रहा है इन टू सिक्स हो गया ये जो एल्सियम डिनोमिनेटर का आया सिक्स वो कहा गया इधर गया सिक्स से सिक्स कैंसिल गया तो क्या इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थर्टीन ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या 2 आ गई टू आ गई तो एवरी टाइम आप क्या करो जब भी फ्रैक्शन में आए यू हैव है सिंप्लीफाई करने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली नाउ टेक इक्वेशन नंबर वन

पुट करनी फोर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन टू में हम रख देते हैं इसको तो लेट्स पुट इक्वेशन क्या है हमारी टू एक्स प्लस थ्री वाईक्वल टू थर्टीन इसमें रख देते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि फ्रैक्शंस में है पूरा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा टू एक्स

माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सेवन हाउ मच फोर्टी सेवन वाई नाउन इंटू थर्टीन सेवन थर्टी हंड्रेड एंड सेवनटीन तो अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं फोर्टी सेवन वाईक्वल टू वन वन सेवन माइनस ट्वेंटी फोर विल कम हियर प्लस ट्वेंटी फोर सोल्व कर लेते हैं Y 141 47. 47, 3 y की वैल्यू कितनी आ आ गई गई जो y की वैल्यू आई है वो हमें एक्स में रख से निकालनी है किसी भी इक्वेशन में रख के हमारा एक्स क्या आया था माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई बाय नाइन ये हमने एक्स निकाला था जिसमें वाई के अंदर पुट किया था अब इक्वेशन में पुट की थी हमने एक्स की वैल्यू अब हम वाई रख देते हैं इसके अंदर वाई की वैल्यू कितनी हमारी थ्री है नीचे चल रहा है नाइन टेन थ्री सा कितना हुआ थर्टी टेन थ्री साइन थर्टी में से ट्वेल्व गए नाइन नाइन टू सान तो आंसर आ गया कितना टू देखो फाइनल आंसर क्या हो गया देर एक्स इक्वल्स टू कितना रिजल्ट टू और वाई कितना आया था थ्री दिस इज दल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय सब मैथड सो चिल्ड्रेन अंडरस्टूड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट देन ओनली यू विल गेट यू विल कम टू नो योर मिस्टेक्स योर एरर ओनली वैन यू सॉल्व सो कीप सॉल्विंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो